पृथ्वी का जो पैराडाइस था, पैराडाइस यानी स्वर्गीय स्थान, कहां पर था? अदन की वाटिका पाप से पहले की बात हो रही है। जब तक इस पृथ्वी के ऊपर पाप नहीं आया, तब तक वो पैराडाइस कहां पर था? अदन की वाटिका। जो भी संदेह होगा उस पर सवाल करूंगा, यानी मैं खुद अपने आप को फंसाना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे स्वर्ग लोक के विषय में। पिछले संदेश यदि आप लोगों ने देखे, बहुत से लोगों ने देखे, अधलोक के विषय पे जो हमने दो भाग बनाए थे अधलोक में, और उस पहले भाग में हमने बात करी थी स्वर्ग लोक के विषय में। जो हमारे दर्शक थे उनके बहुत से कमेंट्स आए, उनके कमेंट्स से ऐसा लगा जैसे वो कन्फ्यूजन में है स्वर्ग लोक को लेकर। तो वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आज स्वर्गलोक के विषय में जो हूँ पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, हम जो भी बात करते हैं हम वचन के द्वारा करते हैं, वचन से बाहर जाकर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज क्या होता है कि हमें वचन को समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आज इस स्वर्गलोक के विषय में हम बातचीत करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। स्वर्गलोक के विषय में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका है पैराडाइसोस शब्द जो है उसको कहा गया है। इसका जो अगर मीनिंग आप बहुत गहराई में डीप में जाकर देखेंगे तो इसका जो अर्थ निकल कर आता है रॉयल गार्डन। रॉयल गार्डन का मतलब राजकीय बाग। जी हाँ, जो पैराडाइज का जो मतलब है, स्वर्गलोक का जो मतलब है, उसकी बात हम करेंगे। आपने देखा होगा, हमने पिछले अधलोक के वीडियो में आपने सुना होगा कि वो डाकू जो था जिससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 और उसका 43 पद जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बात लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परंतु उस बात को हमने ये भी क्लियर करा था कि स्वर्गलोक में होने का मतलब स्वर्ग नहीं गया वो, और इस बात को इस बात से क्लियर करा था कि प्रभु यीशु मसीह का जब मरियम उनसे मिलती है और जब वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाती है तो प्रभु यीशु मसीह को छूना या पकड़ना चाहती है, और यीशु मसीह उसे रोकता है कि हे मरियम अभी मुझे मत छू क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं। मगर वहां पर यीशु मसीह जो है उस डाकू से क्या कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ, ध्यान दीजिएगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब कहने का मतलब यह है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग गए ही नहीं, पिता के पास पहुंचे ही नहीं, तो वो डाकू कैसे अकेला चला गया? क्योंकि यीशु मसीह का शब्द पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, यानी यीशु मसीह के साथ उसे जाना था, यीशु मसीह के साथ उसे होना था। तो कहने का मतलब है कि आज ही का मतलब कि उसी समय जिस समय प्राण त्याग रहा है प्रभु यीशु मसीह, कि उसी समय तू भी मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्यागे और जैसे ही डाकू ने प्राण त्यागे, वो दोनों तुरंत स्वर्ग लोक यानी पैराडाइस में चले गए, जो अधलोक के नीचे है, जिसका वर्णन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने उस वीडियो को देखा, अगर बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप उस पर जाइएगा और उस पर आपको सारी जानकारी जो है प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 7वें पद में। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिसके कानों वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। अब यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में वर्णन कर रहा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को कह रहा है वो, कि इफिसुस की कलीसिया के दूत का जो समय काल रहा है वो 31 एडी से लेकर 100 एडी तक रहा है, और उस बीच में जितने भी विश्वासी बने जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करा
और उनके लिए एक रिवार्ड जो है वो रखा गया है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं उसे क्या दूंगा, मैं उससे जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। अब यहां पर जो है बड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्वर्ग लोक जो आया है वो स्वर्ग लोक जो है पैराडाइस जो है वो शब्द का प्रयोग किया गया है, पैराडाइस शब्द का जो है यहां पर प्रयोग किया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब ध्यान बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब इसका मतलब हम ये समझ लें कि वो जो जीवन के वृक्ष का पेड़ है वो पृथ्वी के नीचे जो पैराडाइस है स्वर्गलोक है वहां पर है। अब आप कहोगे भाई ये तो स्वर्ग में है, मगर यहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया, जब आप किंग जेम्स वर्जन की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर पैराडाइस शब्द का प्रयोग किया गया है। पैराडाइस का मतलब होता है स्वर्गलोक, स्वर्ग नहीं, स्वर्ग के लिए जहां परमेश्वर विराजमान है उसके लिए हेवन शब्द का प्रयोग किया गया है, हेवन शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। अब ये जो है ये पृथ्वी के नीचे कैसे हो सकता है, बड़ा कंफ्यूजन। देखिए मैं खुद आपसे मैं अपना जो बात कहूंगा आपसे उस बात के ऊपर जो भी संदेह होगा उस पर सवाल करूंगा, यानी मैं खुद अपने आप को फंसाना चाहूंगा कि इसका जवाब क्या होगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज चल रही है, आप जितने भी सुन रहे हैं आपके दिमाग में ये चीज चल रही है और आप सोच सकते हो, और पूरा वीडियो देखने के बाद हो सकता है अगर ये कंफ्यूजन दूर नहीं किया गया, अगर इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया तो ये हो सकता है ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में बना रहे। मगर परमेश्वर किसी के कंफ्यूजन को बना नहीं रहने देना चाहता है, खासतौर से अपने वचन के द्वारा। यहां पर जो है पृथ्वी पर स्वर्गलोक या पैराडाइज कैसे हो सकता है, पैराडिसोस ये शब्द जो है पुरानी फारसी भाषा से निकाला गया है, पैराडीजा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है राजकीय गार्डन, राजकीय गार्डन यानी रॉयल गार्डन जिसको कहा गया है। अब ये राजकीय गार्डन की जब हम बात करेंगे, इससे पहले मैं गार्डन की बात करूं आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं, और इसको समझिए कि इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं वो स्वर्गीय वस्तुओं की क्या है, प्रतिछाया। ये बड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी चीज इस पृथ्वी के ऊपर देखते हैं या कोई भी चीज करते हैं तो हम लोग क्या करने लगते हैं कि उसको पृथ्वी पर या स्वर्ग की मान लेते हैं, पृथ्वी पर या स्वर्ग की मान लेते हैं। मगर हम जो जो भी काम कर रहे हैं या जो भी चीज है, चाहे वो यरूशलम हो, चाहे वो आदम हो, चाहे वो इज़राइली हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह हो, जो भी आराधना की बात है, ये सब स्वर्गीय वस्तुओं की प्रतिछाया है। जब तक हम प्रतिछाया को, नमूने को या कार्बन कॉपी जिसको कहते हैं उसको नहीं समझेंगे तब तक हम इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, मैं पढ़ना चाहूंगा, देखिए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं इब्रानियों 8 अध्याय उसका 5वां पद, यहां क्या लिखा है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसा जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के अनुसार सब कुछ बनाना। हम लोग किसकी सेवा कर रहे हैं, प्रतिरूप की। देखिए तीन शब्द का प्रयोग किया गया है यहां पर, प्रतिरूप, प्रतिबिंब और नमूना। प्रतिरूप का मतलब यानी किसी का रूप, ठीक है, प्रतिबिंब यानी किसी की छाया, नमूना यानी जैसे आप लोग जब अपना घर बनाते होंगे तो उस घर का जो है नक्शा बनाया जाता है, नमूना बनाया जाता है कि इस नक्शे के अनुसार बनाना। तो परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग में जो मंदिर है, जो पवित्र मंदिर है, उसका नक्शा जो है वो मूसा को दिया कि इस नक्शे के अनुसार बनाना और उसके अनुसार करना। देखिए तीन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आप बात जो मूसा को दी गई है निर्गमन 25 के 40 में पद में आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर लिखा है नमूना, प्रतिरूप, प्रतिछाया या प्रतिबिंब, ये चार चीजों के विषय में है। पहले मैंने तीन चीजों के विषय में बताया था, अब बता रहा हूं नमूना, प्रतिरूप, प्रतिछाया और प्रतिबिंब। फिर यहां पर
अब हम एक एक करके एक एक चीज को देखेंगे। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, देखिए जिस पृथ्वी पर और जिस आकाश के नीचे रहते हैं, ये प्रतिरूप या नमूना या प्रतिछाया है किसका? एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी का। जी हाँ, एक नए आकाश एक नई पृथ्वी का। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका पहला पद, एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी के बारे में पढ़ सकते हैं। पृथ्वी पर अदन की वाटिका थी। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर अदन की वाटिका थी और ये अदन की वाटिका किसका प्रतिरूप है या नमूना है या प्रतिछाया है? तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था। एजेकल 28 और उसका 13वां पद, परमेश्वर की अदन नाम वाटिका। अब परमेश्वर की अदन नाम वाटिका थी कहा? वहां लिखा परमेश्वर की अदन नाम वाटिका में था। स्वर्ग में है या पैराडाइस में है या कहां है? ठीक है, ये समझने की बात है। फिर है चौथा, पृथ्वी की अदन की बारी में जीवन का वृक्ष था। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की अदन की बारी में जीवन का वृक्ष था। नई पृथ्वी पर भी जीवन का वृक्ष होगा। देखिए, पृथ्वी की पुरानी पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर क्या था? जीवन का वृक्ष था, उत्पत्ति 2:9, और नई पृथ्वी पर भी जीवन का वृक्ष है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 1-2। पृथ्वी पर यरूशलम जो है, स्वर्गीय यरूशलम का नमूना है। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 2 पद और उसका 10 पद कि स्वर्गीय यरूशलम। फिर मैंने परमेश्वर के पास से एक नए यरूशलम को नई पृथ्वी पर उतरते हुए देखा है। यूहन्ना इस बात का बात कर रहा है। यरूशलम में जो मंदिर है वो स्वर्गीय मंदिर का, स्वर्ग में मंदिर है उसका नमूना है। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 24 पद आप पढ़ सकते हैं। आदम, आदम किसका प्रतिरूप है? आप देखिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उत्पत्ति 1:26-27 और उत्पत्ति 2:7 कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। अब अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, किसके स्वरूप में सिरजा गया? अपने स्वरूप कि आओ हम, वहां पर हम शब्द का प्रयोग, जब हम मैं अगर बोलूंगा तो मैं का मतलब होता है कि एक जन, सिंगल पर्सन की बात हो रही है वहां पर, परंतु हम की बात जब होती है तो वहां 2 लोगों से, 1 से अधिक लोग हैं। अब वो 1 से अधिक लोग किसकी बात हो रही? वहां प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर जो हैं वहां उपस्थित हैं, और आदम जो है वो किसका प्रतिरूप है? यीशु मसीह का प्रतिरूप है। जब आप 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 45-47 पद पढ़ेंगे तो वहां पर जो है सिर्फ 2 आदम की बात की गई है, प्रथम आदम और अंतिम आदम। प्रथम आदम जो मिट्टी से बना था और अंतिम आदम जो आत्मिक था, जिसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया। तो आदम किसका प्रतिरूप था? प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप था। अब जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो प्रभु यीशु मसीह किसका प्रतिरूप है? जब आप कुलुसियों 1 अध्याय उसका 15वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता है वो प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देता है। तो आपने देखा कि ये जितने भी चीजें हैं सब क्या है? सब प्रतिरूप है या नमूना है या कार्बन कॉपी है या छाया है। कौन सी? स्वर्गीय वस्तु की, जो पृथ्वी पर दिखाई दे रही। प्रभु यीशु मसीह यहां पर आया, मनुष्य बनकर आया, वो परमेश्वर का प्रतिरूप था। तो ये सारी चीजें, इनको समझना है। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया है तो आप आगे जो भी बात होगी, पैराडाइज की खास तौर से बात होगी, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहां क्या है, जब हम परमेश्वर की नई पृथ्वी के बारे में बात करते हैं कि अदन की वाटिका हमें क्या था कि एक उस पृथ्वी पर पेड़ लगा हुआ है जहां मनुष्य रहते हैं, जीवन का वृक्ष, उसकी बात हो रही है। उस समय जो था इस पृथ्वी का जो पैराडाइज था, पैराडाइज यानी स्वर्गीय स्थान कहां पर था? अदन की वाटिका, पाप से पहले की बात हो रही है। जब तक इस पृथ्वी के ऊपर पाप नहीं आया तब तक वो पैराडाइज कहां पर था? अदन की वाटिका, वो पैराडाइज कहलाई जाती थी। इस पृथ्वी की, पृथ्वी के ऊपर जो था, जहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर रखा था और जीवन का वृक्ष भी वहां लगाया। अब ध्यान देना, जब पाप आया, पाप के बाद परमेश्वर ने क्या करा? उस अदन की वाटिका को क्या करा? उस पैराडाइज को मनुष्यों से बिल्कुल लोप कर दिया, अलग कर दिया, और उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर ज्वाला में घूमने वाली तलवार और करूब फरिश्तों को बैठा दिया कि कोई इसके, इस पैराडाइज में अब कोई इसमें एंट्री ना कर पाए।
इसमें वो ना आ पाए, ऊपर जो पैराडाइज था उसके अंदर ना आ पाए। यहां पर बहुत यही चीजें समझने, नया आकाश और नई पृथ्वी, वे स्वर्गलोक पैराडाइज होगा जहां पवित्र लोग रहेंगे। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। मैं आपके लिए ये कुछ पद जो हूं पढ़ देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, प्रकाशित वाक्य 21 का पहला पद, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुन्दर भी ना रहा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग पता क्या सोचते हैं, एक नया आकाश बनेगा, एक नई पृथ्वी बनेगी। अरे भैया, यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है फिर मैंने एक नए आकाश एक नई पृथ्वी को देखा, यानी नया आकाश नई पृथ्वी बन चुकी है। कहां पर है ये हम नहीं जानते, क्योंकि आकाश जो है, जो आसमान है, बहुत बड़ा है। आप जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पृथ्वी की तो लंबाई चौड़ाई नाप ली है, परंतु आज तक आकाश की लंबाई चौड़ाई नहीं नापी गई है। कोई नहीं बता सकता, कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता। तो यूहन्ना क्या, कि मैंने एक नया आकाश एक नई पृथ्वी को क्या करा है, वो देखा है। फिर 22 के अब 1-3 पद में क्या लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लोरी की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सियासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वे हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। अब यहां पर जो है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जीवन का वृक्ष कहां दिखाई दे रहा है, नई पृथ्वी के ऊपर। सीधी सी बात है, जब नई पृथ्वी के ऊपर वो जीवन का वृक्ष लगा हुआ है, तो वो परमेश्वर के लोगों के लिए लगा है, उन लोगों के लिए जो जय पाकर उसमें प्रवेश करेंगे, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के चुने हुए होंगे, उन लोगों के लिए जो एक अटूट विश्वास में परमेश्वर के परमेश्वर के साथ भागीदार होंगे, एक अटूट विश्वास होंगे, उन लोगों के लिए जो अब्राहम और इसहाक और याकूब की आशीषों से परिपूर्ण होंगे। ये बड़ी समझने वाली बात है और इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए ये ध्यान रखें, यानी पैराडाइज कहां है, वो स्वर्गलोक में। मैंने पहले कहा ना, प्रकाशित वाक्य 2:7 में क्या लिखा, स्वर्गलोक शब्द आया, स्वर्गलोक का मतलब यानी वो स्वर्ग के अंदर नहीं है, वो पृथ्वी पर है, पृथ्वी के ऊपर जैसे था वैसे उस पृथ्वी के ऊपर है, यानी नया नई पृथ्वी जो पूरा पैराडाइज कहलाई जाएगी, वो जो नई पृथ्वी होगी वो पूरा पैराडाइज कहलाई जाएगी, यानी स्वर्गलोक कहलाया जाएगा। अब यहां जो है प्रकाशित वाक्य का 22 का 18-19 जब आप पढ़ेंगे, यहां लिखा है, मैं हर एक को इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता हूं, गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो वह परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है कि आप इसमें से कुछ अपनी तरफ से निकाल या बढ़ा नहीं सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि किसी ने ऐसा करा तो क्या होगा, परमेश्वर इसमें लिखी जो पुस्तक इसमें जो विपत्तियां लिखी हैं वो उनके ऊपर बढ़ाएगा और नई यरूशलम और नई पृथ्वी और उस जीवन के वृक्ष में से उनका भाग निकाल देगा। अब जब प्रकाशित वाक्य के पुस्तक इस बात का वर्णन करती है कि स्वर्गलोक में वो जीवन का वृक्ष है, स्वर्गलोक यानी पैराडाइज, पैराडाइज यानी नई पृथ्वी के ऊपर, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि उस नई पृथ्वी पर क्या है, कि वो जीवन का वृक्ष लगा हुआ है, जीवन की नदी उसमें बहती है, तो हमें मानना पड़ेगा कि पैराडाइज जो है वो नई पृथ्वी है जिसमें परमेश्वर के लोग वास करने जाने वाले हैं। और फिर क्या चीज है, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, लोग जो है आपको कंफ्यूजन करेंगे, बहुत सी चीजें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, माइंड मत करिएगा, मगर मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं करूंगा, बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। किसका उदाहरण देंगे, पौलुस का। चलिए मैं अभी पौलुस का उदाहरण आपको देता हूं, पौल के द्वारा स्वर्गलोक का दर्शन देखना, 2 कुरिन्थियों 12 उसका 2 पद पढ़ रहा हूं, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यानी यहां पर जो है दूसरे पद में जो आप किंग जेम्स वर्जन की जब बाइबल पढ़ेंगे तो वहां आया थर्ड हेवन, थर्ड
थर्ड हेवन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी तीसरे स्वर्ग तक। मगर यहां पर जो है, जब आप इस पद को पढ़ेंगे तो ये पौलुस जो है यहां कंफ्यूजन में है। उसको ये पता चल रहा है कि ना जाने देह में उठाया गया, ना जाने मैं देह सहित या बिना देह के उठाया गया हूं, आत्मा में उठाया गया हूं। अब जरा तीसरे और चौथे पद की तरफ ध्यान दीजिएगा, इसी के दूसरा कुरिन्थियों 12 का 3 और 4 पद बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। अब यहां पर जो है स्वर्ग लोक शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए दूसरे पद में वो कहता है कि स्वर्ग में उठा लिया गया, और तीसरे और चौथे, खासतौर से चौथे पद में कहता है कि स्वर्ग लोक में उठा लिया गया। स्वर्ग लोक, जब आप किंग जेम्स वर्जन की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर पैराडाइज शब्द आया। अब यहां पर जो है पौलुस खुद कंफ्यूजन में है कि वो स्वर्ग में उठाए, क्योंकि देखिए नई पृथ्वी पर जब आप जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में प्रवेश कर गए। जब आदम अदन की वाटिका में था तो उसको ये लगता था कि वो स्वर्ग के अंदर है। क्यों? क्योंकि दिन के ठंडे पहर में परमेश्वर उससे मिलने आता था, उससे मुलाकात करता था, वो प्रेज एंड वर्शिप करता था वहां पर। और यही चीज नई पृथ्वी पर होगी कि जब हम जाएंगे वहां पर तो वो पूरा स्वर्ग का नजारा होगा। पौलुस जो है कंफ्यूजन में है कि वो स्वर्ग लोक में उठाया गया है या स्वर्ग में उठाया गया है, मगर वो वहां पर इस बात का वर्णन करता। तो अगर हम पौलुस की इस बात को महत्व देते हैं ज्यादा, देखिए महत्व देने का मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है, महत्व देने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा महत्व देते हैं इसी बात पे नहीं, वो सिर्फ दूसरे पद को लेकर चलते हैं कि वो स्वर्ग की बात कर रहा है, मगर तीसरे चौथे पद में विशेष तौर से लिखा है कि वो स्वर्ग लोक की बात कर रहा है। तो यहां पौलुस खुद कंफ्यूजन में है, उसने इस बात को क्लियर नहीं करा। परंतु एक बात वो क्लियर करता है कि बहुत सी ऐसी बातें उसको बताई गई हैं, सुनाई गई हैं, दर्शन दिए गए हैं ऐसी बातों का। वो कहता है कि मनुष्य का मुंह पे लाना भी उचित नहीं है। अब वो कौन सी बातें हैं, पौलुस ने इसका खुलासा नहीं किया है, ये पौलुस अपने साथ ही लेकर चला गया है, तो वो कौन सी बातें। मगर ऐसी बात नहीं है कि हम इन बातों को जान नहीं सकते, हम इन बातों को जान सकते। कैसे जान सकते हैं, पौलुस के बारे में बहुत डिटेल में जाना होगा, बहुत डिटेल में, तभी हम जानेंगे। और परमेश्वर के वचन में भी बहुत डिटेल में जाना होगा कि वो कौन सी उचित बातें हैं जिनका मनुष्य का मुंह पे लाना उचित नहीं है। तो इन पदों से आपने देखा कि कैसा स्वर्गलोक कहां पर है। स्वर्गलोक अलग है, स्वर्ग अलग है। स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर वहां विराजमान होता है, स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल में होते हैं, और स्वर्गलोक जो है वो नया आकाश और नई पृथ्वी है। और बीते हुए समय में वो अधलोक में था, परंतु जब यीशु मसीह मर गया, मरकर जी उठा और स्वर्ग गया, तो वो जो स्वर्गलोक जो अधलोक के नीचे था वो खाली हो गया, और जो जितने भी पवित्र लोग थे प्रभु यीशु मसीह उनको अपने साथ स्वर्ग में ले गया। वो कहते हैं ना स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में यानी स्वर्ग लोक में ले गए। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा अपने लोगों को चुनेगा, तो वो 1000 साल तक जो रहेंगे लोग, 1000 साल तक राज करेंगे, वो कहां पर करेंगे, नए आकाश के नीचे और नई पृथ्वी के ऊपर, जो पैराडाइज है, जो स्वर्ग लोक है उसके ऊपर, जहां जीवन का वृक्ष है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय जो आदम के समय में जब पृथ्वी बनाई गई थी तो स्वर्ग लोक, इस पृथ्वी पर सिर्फ एक हिस्सा था अदन की वाटिका जो स्वर्ग लोक कहलाया जाता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब हम नए आकाश नए पृथ्वी की बात करते हैं तो हो सकता है बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन हो कि जब तक ये आकाश ये पृथ्वी जाएगा नहीं तो वो नया आकाश नई पृथ्वी आएगी कहां से। देखिए वो नया आकाश नई पृथ्वी जो बन चुकी है वो प्रकट कब होगी ये प्रभु जानता है, मगर ये कब प्रकट होगी प्रभु तो जानता है, परंतु परमेश्वर ने अपने वचन में हमें भी बताया है जब दुनिया का अंत हो जाएगा, जब परमेश्वर दुनिया का अंत कर देगा, सारे पापियों का नाश कर देगा, तब ये पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश चला जाएगा, उसके बाद जो है वो नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकट होगी। ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी अभी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अभी अस्तित्व में है, मगर हमें नहीं दिखाई दे रही, हमें नहीं पता है, प्रभु जानता है कि वो कहां पर है और उसने कहां पर बनाकर रखी है। परंतु अभी वो प्रकट नहीं होगी, दुनिया के अंत के बाद वो प्रभु जो है उसे प्रकट करेगा, फिर हम सब उसमें देखेंगे। और परमेश्वर, जितने लोग इस पृथ्वी पर अभी हैं वो सब जो हैं, जो विश्वासी हैं,
जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, पाप से दूर रहते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो सब उस नए आकाश के नीचे और नई पृथ्वी के ऊपर यानी उस नए पैराडाइस में जो है प्रवेश करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।